वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर इज चैप्टर नंबर 2 अ ट्रिप टू मैसूर। सो जो चैप्टर है इसके बारे में मैं सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी क्योंकि इंग्लिश में रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सो इस चैप्टर का जो ऑथर है उनका नाम है जीन हैज़र, और जीन हैज़र एक रिटायर्ड टाउन प्लानर है जो कि मैसूर आई हैं अपनी बेटी की रिसेप्शन अटेंड करने। और उसके बारे में आपको मैं अब स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। उन्होंने एक अकाउंट लिखा था जिसपे ये चैप्टर बना है। सो जो जीन हैज़र है वो एक रिटायर्ड टाउन प्लानर है जो नेपा वैली में रहती है जो कि कैलिफोर्निया में है, और वो एक ट्रैवल एंथूजियस्ट है। और वो इंडिया आई हैं ऑटम में 2010 में अपनी बेटी की वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने के लिए। और फिर उनको याद आता है कि वो 1960s में यहाँ पर आई थी बैंगलोर में। बड़ा मन था उनका कि वो मैसूर जाए बट वो जा नहीं पाई थी, तो वो इस बार वो आई हैं और उनका बड़ा मन है घूमने का, वहाँ घूमी भी और उसके बारे में उन्होंने अकाउंट लिखा। तो वो सबसे पहले कहती हैं कि उनको मैसूर और बैंगलोर की याद दिलाता है जो कि वो बहुत साल पहले गई थी, जहाँ पर एकदम स्लोअर पेस्ड है, बहुत सारे ट्रीज हैं, वेजिटेशन है। स्लोअर पेस्ड का मतलब होता है जो जगह धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। बैंगलोर उस वक्त बहुत धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा था बट वो अब डेवलप हो गया है, मतलब और भी डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन मैसूर जो है वो अभी भी नहीं हुआ है, वो अभी भी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है और यहाँ पर अभी भी इतने सारे ट्रीज़ और वेजिटेशन है। फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारे स्टॉप्स और डायरेक्शंस के बाद उनको उनका होटल मिलता है, पैराडाइज होटल पैराडाइज। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। फिर वो बोलती है उस रात को वो महाराजाज पैलेस गई जो कि वो 1000 ऑफ लाइट से सजा हुआ था, और वहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी और ठंडी सी हवा चल रही थी कि उस हवा ने उस रात को बहुत अच्छा बना दिया। फिर वो बोलती है वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ग्राउंड था नीचे, महाराजाज पैलेस के नीचे ग्राउंड था जहाँ पर पीपल बहुत सारे लोग थे और वो सब फेस्टिव मूड में थे। फेस्टिव मूड मतलब वहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा था और सब बहुत खुश थे और मस्ती कर रहे थे, सब फन कर रहे थे। उसके बाद बोलती हैं कि वो एक ऑनसाइट टेंपल पे गई, यानी महाराजाज पैलेस के पास ही एक टेंपल था, वो वहाँ पर गई और सब फैमिलियर होके सब प्रेयर कर रहे थे गॉड के सामने। फिर वो सोचती हैं कि ये इतनी सुंदर सराउंडिंग है, ये तो हमारे क्रिस्टीन चर्च से एकदम डिफरेंट है क्योंकि ये जो टेंपल है वो इतना सुंदर, बड़ा और एकदम ट्रेडिशनल है और ऑर्नेट स्टोन से बना है और इतना सुंदर है। फिर वो बोलती हैं कि वो फिर उसके बाद दशहरा एग्जिबिट में गई जहाँ पर इतने सारे लोग थे, बहुत सारे मर्चेंट्स थे, उनके बीच में से वो गईं और वो रात को फिर वो अपनी होटल पैराडाइज वापस आ गई और फिर उन्होंने वेजिटेरियन थाली डिनर किया। फिर वो बोलती हैं नेक्स्ट डे वो मैसूर के साइट सीइंग टूर पर गई मॉर्निंग में। तो सबसे पहले वो म्यूज़ियम गई थी, वहाँ पर उन्होंने मैसूर की बहुत सारी पेंटिंग्स देखी। उस गर्मी भरे दिन में बहुत धूप थी उसमें वो महाराजाज पैलेस भी गई और बहुत ब्रेव वो के इतने सारे लोगों के अंदर उन्होंने ऑडियो टूर किया। फिर वो बोलती है कि वहाँ पर बहुत सा अल्हाम्ब्रा जैसे सिस्टीन चैपल और हेरमिटेज जैसे रूम्स थे, इनक्रेडिबली लैविश थे, डिटेल्ड एंड रिच थे। और वहाँ का जो रोजवुड जो डोर्स थे वो रोजवुड और सिल्वर से बने हुए थे, स्टेनड ग्लास सीलिंग थी, मिरर जो इतने अच्छे थे कि रिफ्लेक्शन उसमें से आ रही थी, मार्बलस फ्लोर्स थे और हॉलवे ऑफ मोरिश स्टाइल आर्चवे डोर्स भी थे, पेंटेड कॉम्पस सीलिंग भी थी, बहुत सारे डेकोरेशन और आर्ट का वो दशहरा पैराडाइज सीन्स भी देखे थे उन्होंने। फिर वो बोलते हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने देखी थी वो थी गोल्ड थ्रोन। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो जो जगह है उसमें इतने सारे रूम हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे शादी के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, पब्लिक के लिए दरबार हॉल है, प्राइवेट दरबार हॉल भी है, कि बहुत सारे रूम्स हैं उसके अंदर। फिर वो बोलते हैं कि उस टूर के बाद मतलब वहाँ जगह घूमने के बाद वो अपनी फैमिली जो है जो चेन्नई में रहती थी उन्होंने उनकी हेल्प करवाई वहाँ पर सैंडलवुड और सोप्स दिलवाने में गवर्नमेंट स्टोर से। फिर वो लंच करती है, थोड़ा रेस्ट करती है, उसके बाद वो रंगानिधितु बर्ड सेंचुरी जाती हैं जहाँ पर वो हंड्रेड्स ऑफ नाइजीरियन एबीज देखती है, कॉर्मोरेंट्स देखती है, हिरोन्स देखती है, बैट्स देखती हैं और बहुत सारे मगरमच्छ और बंदर देखती हैं। फिर उन्होंने एक पीसफुल बोट राइड भी करी जो कि एक मैन था, उसने 10 से 12 लोग और भी रखे हुए थे और बहुत काम लेक, फुल लेक थी वो और वुडेड आइलैंड था वो एकदम, बहुत सारे उसमें लकड़ी की चीज़ें थी और
इबिस भी थी साथ साथ में, उनके साथ उड़ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सनसेट हो रहा था और वो जो सेंचुरी थी वो इतनी अच्छी थी, वहाँ चलने में इतना मज़ा आया था, वहाँ गार्डन्स थे, पैडी फील्ड्स थे और साइड में कोकोनट पाम्स भी थे। फिर बोलती हैं वो ख़त्म होने, उस डे का ख़त्म होने से पहले हमने एक ड्रॉव मतलब हम ड्राइव करके वृंदावन गार्डन्स जा रहे थे एक सनसेट देखने। फिर लेकिन हमें एक ह्यूमरी को स्टॉप करना पड़ा, हमें ट्रैफिक में रुकना पड़ा, हमें इतने सारे किलोमीटर चलने के बाद एक पार्किंग लॉट मिला, फिर हमारे ड्राइवर ने इतना स्ट्रगल करके एक पार्किंग लॉट का पॉइंट ढूंढा, फिर हम ऐसे ही आगे हम व्हीकल से जा नहीं सकते थे इसलिए फिर वो हाफ मील्स मतलब आधे से ज़्यादा किलोमीटर वो चल के गए। उसके बाद जो एंट्रेंस एरिया था वहाँ पर इतनी सारी बड़ी लंबी कतार थी कि टिकट्स ख़रीदने के लिए कि वो उनसे लेट हो गया, वो सनसेट नहीं देख पाई। फिर उनका जो ड्राइवर होता है वो पीछे की तरफ से गाड़ी मोड़ के एग्ज़िट की तरफ से आता है, फिर उनको बिठाता है और वापस से वो मैसूर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन वो एक स्वीट फ्रेश पाइनएप्पल जूस, ए पॉट ऑफ कॉफ़ी, टोस्ट, जैम खरीदते हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। फ्रेश पाइनएप्पल जूस था रूम टेम्परेचर के साथ और स्वीट था, लाइट था, विद बिना किसी एसिडिक फ्लेवर के और बहुत अच्छा था, एंटायरली डिलीशियस था, बहुत डिलीशियस था। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि जो ये कंट्री है इसमें टिपिकली जो मील होता है वो कम ज़्यादातर राइस होता है, फ्रेश चपातीज होती है, साथ में कट फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल डिशेज होती है जो बहुत स्पाइसी होती हैं और बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, फ्लेवर्स होते हैं, सर्टिन डिशेज होती हैं जो कि राइस के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ, बट हमारा जो मील है वो सिर्फ उसमें सिर्फ राइस और हम कर्ड खाते हैं, बट ये बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और इनका बहुत खाना बहुत एक्सट्रीमली हेल्दी होता है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैंने दिन में 3 बार खाना खाया और उन्होंने बीच में कोई स्नैक्स नहीं लिया क्योंकि उनका पेट बहुत भर गया था। उसके बाद वो जाती हैं एक दुबारी एलिफेंट कैंप जंगल लॉज में, जहाँ पर जो कि रिवर कावेरी के पास था। फिर वो उसके बारे में बताती हैं कि वो ड्राइव मैसूर से शुरू की थी, बहुत सुंदर थी, साइड में राइस पैडीज थी, कोकोनट ट्रीज थे, जंगल वेजिटेशन इतना अच्छा था और जंगल एकदम हमारे मतलब वेजिटेशन जो था हमारे एकदम साइड में क्लोजर था बहुत। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे गांव को पास करके हम आगे चलते जा रहे थे और वो जो हाईवे था उसका एंड ही नहीं दिख रहा था, उसका जो लिमिट थी हमें पता ही नहीं चल रहा था, उसकी शेप ही अलग थी और बहुत सारे हमने टाउन्स देखे जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी, लोग थे। फिर वो बोलते हैं कि अबाउट 20 किलोमीटर के हिसाब से हम दोबारा से बाइलक पे गए जहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूज सेटलमेंट विद ब्यूटीफुल टेम्पल, जहाँ पर बहुत सारे तिब्बतन थे जो कि टेम्पल्स भी थे और जो मॉन्क्स थे उनकी फेस इतना हैप्पी था, खुश थे सबके सब। और जो मेन टेम्पल है उसके अंदर 3 गोल्ड बुद्धास हैं जिनकी हाइट 58 से लेकर 60 हाई है, बहुत बड़े हैं वो मूर्ति जो कि गोल्ड की है। उसके बाद वो बोलती हैं कि जो जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं उसके साइड में बहुत बड़े बैनर लगे हुए हैं जिनमें दलाई लामा की फ़ोटो लगी है। तो बोलती हैं एक छोटा सा एक शॉपिंग स्क्वायर जैसे कुछ था जहाँ पर तिब्बतन सामान बेच रहे थे जैसे हैंडक्राफ्ट लाइक ब्रॉन्ज बुद्धास मेडिटेशन बाउल्स बेल्ट एंड क्लोथिंग, सो उन्होंने ख़रीदा भी वो। उसके बाद वो बोलती हैं उन्होंने दुबारी का बहुत पीसफुल चीज़ें देखी, रिवर कावेरी में उन्होंने मोटर बोट भी करा और फिर उसके बाद उनका लंच का टाइम हो गया था, फिर वो वहाँ पर जा रही थी पर उनको 2 एलिफेंट दिखे जहाँ पर उन्होंने उनको घास खिलाया। तो वो बताती है कि जो दुबारी जंगल है वो रेस्क्यू के लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर हम टेम एलिफेंट्स यानी कि जो मतलब जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है उनको हम वहाँ रख सकते हैं, उनको जो भी नीड होती है वहाँ पर वो मिल सकता है। फिर वो बोलती है वो दिन बहुत अच्छा था, बर्ड्स चहचहा रही थी, रिवर एकदम ब्राउन था, हाई था, फास्ट फ्लोइंग थी और जो मॉनसून था वो बस ख़त्म ही होने वाला था। फिर वो बोलती हैं कि जब हम सफारी राइड में थे तो हमने 2 ग्रुप्स देखे वाइल्ड एलिफेंट्स के, जिसमें कि 1 सिंगल मेल था, 2 फीमेल्स थी और एक बेबी भी था।
फ्यू बोलते हैं कि उन्होंने वाइल्ड बाइसन भी देखा, स्पॉटेड डियर भी देखे, बर्ड्स भी देखी बहुत तरीके की। तो बस यही था कि वो एक अकेले गेस्ट थे मंडे में, जिन्होंने 10 न्यू कैबिन्स जो थे उसमें से उन्होंने 3 बुक करे थे, और जो उनका जो स्टाफ था उस कैबिन्स के, उसने उनको खाना भी बना के दिया जो उन्होंने ऑर्डर किया था। वो जो खाना था वो भी बहुत टेस्टी था। फिर उन्होंने एक सेव द टाइगर्स मूवी भी देखी, उन्होंने कैंप फायर को इन्जॉय भी किया, फुल मून रोज़ भी देखा। तो फिर उनका टाइम था सोने का, पर उससे पहले उन्होंने एक शावर भी लिया। फिर जैसे ही उन्होंने शावर ऑन किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक स्पाइडर देखा, और वो जब जैसे उन्होंने शावर को ऑन किया था उसके पीछे से निकल के आ गया और उनको देख रहा था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, फिर वो पीछे से एकदम भाग जाती हैं। फिर उसके बाद वो थर्ड डे जब होता है, बहुत तेज लाउड स्पीकर बजता है एक विलेज से जो कि रिवर से थोड़ा दूर था, कम से कम सुबह के 5:30 बजे का टाइम था। फिर उसका मतलब था कि उनका अब जंगल वॉक का टाइम हो गया है। फिर उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा टी लिया जो हॉट थी और स्वीट थी। उसके बाद जब वो आ रहे थे उस वॉक पे, जंगल वॉक पे, उन्होंने उनका जो एक गाइड था उसका नाम था बेसिल, तो उन्होंने उसको, वो एक नेचुरलिस्ट गाइड था जो उन्होंने लिया था, वो उनको बहुत सारी चीज़ें समझाता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है जो उन्हें समझ में आता है। वो ये सोचते हैं कि हमें ये पता चला कि ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं जब अगर हमारे पास कोई मेडिसिन ना हो। और उनको उस वॉक में टीक मिला, रोजवुड जंगल था वो बहुत सुंदर था, उन्होंने स्नेक्स भी देखे, स्पाइडर्स भी देखे। फिर उनको याद आता है कि जब मैं शावर ले रही थी तो एक स्पाइडर था ब्लैक कलर का, तो वो उससे पूछती है बेसिल से कि ऐसा हुआ था, तो बेसिल बोलता है नो वरीज मैम, वो सिर्फ एक घर का छोटा सा एक स्पाइडर है, उसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर बेसिल उनको बोलता है कि अपने हाथ पे टीक लीफ रब करो, तो फिर वो रब करते हैं और वो एकदम रेड हो जाता है। फिर वो बताता है कि टीक वुड के अंदर ऑयल होता है, तो उनको वो समझाता है। फिर उनको एकदम सुनाई देता है वाइल्ड एलिफेंट्स, एंड उन्होंने लेपर्ड भी देखा जो ट्रैक कर रहा होता है मड के अंदर। सो फिर उन्हें समझाया जाता है कि हमें, मतलब उनको, जीन हैजर को जो उनकी फैमिली होती है ऑथर की, उनको समझाया जाता है कि उनको जो 6 फीट हाई लिटिना बशेज है उसके अंदर छुपना होगा, क्योंकि वो जो एलिफेंट्स थे वो उनके पास आ रहे थे, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर छुपे। और फिर वो बोलते हैं कि लिटिना की स्मेल इतनी अच्छी है और वो कवर करती है ह्यूमन सेंट को। बेसिल उनको बताता है कि जो ये लेंटिना होती है इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, और ये जो ह्यूमन का जो सेंट होता है, ह्यूमन की बदबू होती है, वो छुपाता है ताकि किसी एलिफेंट को सूंघने से पता ना चले कि यहाँ पर कोई आदमी या कोई है। उसके बाद वो उसी अंदर से एलिफेंट का व्यू देखते हैं, बहुत उनको अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट के बाद लेंटल पैनकेक्स, मतलब डोसास, उन्होंने और टूरिस्ट के साथ बैठे जो कि एक रिवर को पार करके था, वो एलिफेंट को नहला रहे थे वार्म मडी वाटर से। फिर बोलते हैं जो एलिफेंट का स्किन होता है जब वो थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है, वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, सरप्राइजिंगली सॉफ्ट होता है वो बहुत। उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी, कि मैं एलिफेंट को रब कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर उन्होंने पीछे देखा और उन्होंने 3 और एलिफेंट्स देखे, तो फिर उनको लगा कि यहाँ पर तो चीज़ें और क्राउडेड हो रही है, और भी चीज़ें हो रही है, तो फिर उन्होंने लंच करने का डिसीजन लिया। फिर वो लंच कर लिया। फिर बहुत ज़्यादा घंटों, थोड़े बहुत घंटे के बाद वो पास ही में एक कॉफ़ी प्लांटेशन था, तो फिर वो वहाँ जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेंसिव क्रॉप्स थी, स्लिपरी नैरो वॉकिंग ट्रेल्स थी, बहुत सारा क्राउडेड था, कॉफ़ी था, पेपर ट्रीज थे, मैंगोज थे, पपाया का ट्री था, कोकोनट का था, एल्किया बेटल पाम्स थे, टर्मरिक चिलीज, कार्डमम, अ क्लीन स्मेलिंग साइट्रस, जो पिकल मतलब अचार में यूज़ होते हैं वो भी थे, ऑरेंजेस थे, टोरी पाम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और ग्रास भी था, बहुत उनको अच्छा लग रहा था।
फिर बेसिल ने एक सरप्राइज़ प्लान किया था एक ट्रीट के तरीके से. उन्होंने एक सनसेट वॉक वो किया था जहाँ पर एक वाटर्स का रिफ्लेक्शन आ रहा था वेस्टर्न घाट का. तो उन्होंने वो भी देखा, स्काई देखा, गोल्डन पिंक जो स्काई था वो एकदम गोल्डन पिंक था, डार्क क्रिम्सन था, बहुत अच्छा था. और जो लाइटनिंग थी, थंडर क्लाउड्स हो रहे थे. और जब हम अपना कैंप और डिलीशियस वेजिटेरियन मील करके आए तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लाइट्स जो थे वो चमक रहे थे. और फिर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा आते रहें. तो यही थी चैप्टर नंबर 2 अ ट्रिप टू मैसूर की कहानी. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें. और अगर पसंद आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू.